तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो उच्चारण भी नहीं सही से कर पाते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, उनका उच्चारण, जैसे ए का उच्चारण हुआ, बी का उच्चारण हुआ, सी का उच्चारण हुआ, प्रोनाउंसिएशन हुआ इनका, तो किस तरह से कहाँ कहाँ कितने स्वरों में किया जाता है। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखिए, और उन लोगों के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा जो लोग इंग्लिश को लिखना पढ़ना और उच्चारण करना सही से बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो चलिए, हमने ए के उच्चारण से शुरुआत की है, तो लेते हैं ए का उच्चारण। ए का उच्चारण कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर बताया इसका उच्चारण आ आ, छोटा बड़ा जिसको आप कहते हैं, ए आए की ध्वनियों में होता है। इसके लिए हमने दूसरी तरफ कुछ लिखा है, उसको आप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अंग्रेजी के स्वरों के उच्चारण लिखे हुए थे, उनमें से हम आपको ए का उच्चारण बता रहे हैं। बाकी उच्चारण भी हमने लिखे हुए, पूरी वर्णमाला भी हमने लिखी हुई है, उसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो लिखा ए की ध्वनियों का उच्चारण, ए की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, तो छोटा बड़ा ए आए ये ध्वनियाँ होती हैं जिनमें ए का उच्चारण होता है। जैसे ए की ध्वनि उच्चारण कैसे होगा, ए की आ के ध्वनि उच्चारण, मतलब ए का उच्चारण आ में निकले, छोटा आ, इस तरह से। तो लिखा अबाउट, अबाउट माने विषय में, अबाउट अबव, अबव माने ऊपर, अगो अगो, आगो नहीं करेंगे इसको, अगो कहेंगे, अगो माने पहले। या लिखा अलॉन, अलॉन मीन्स अकेला, इस तरह से आप छोटा आ की ध्वनि में उच्चारण करेंगे। अच्छा, बड़ा आ की ध्वनि उच्चारण कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एग्जांपल दिए हैं। जैसे एक ए का उच्चारण बड़ा आ की ध्वनि में, जैसे आ, इस तरह से आवाज़ निकालते हैं ना आप, तो आल बना, तो यहाँ पर सिंगल है, लेकिन यहाँ पे आ बड़ा आ की ध्वनि में उच्चारण किया जाएगा। जैसे आल, आल माने सब, काल माने बुलाना, वार, वार माने युद्ध, आफ्टर, आफ्टर माने, आफ्टर माने बाद में, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, और डांस, डांस, यहाँ पर जो है इस तरह से आप बड़ा के ध्वनि में इसका उच्चारण करते हैं। अच्छा, अब देखिए अगला है इसमें ए का उच्चारण ए के ध्वनि में, ठीक है, ए से एड़ी, ए के ध्वनि में उच्चारण देखिए कैसे होता है। ऐप, ए पी ई ऐप, ऐप मीन्स बंदर, लंगूर, ब्रेन, ब्रेन मीन्स दिमाग, केक, सी ए के ई केक, केक मीन्स केक, वे, डब्ल्यू ए वाई वे, वे मीन्स मार्ग, रास्ता, एक, एक मीन्स दर्द, एंड इसके बाद में पे, पे मीन्स वेतन, पी ए वाई। तो यहाँ ये हुआ ए के ध्वनि में उच्चारण। अब देखते हैं आगे ए के ध्वनि में उच्चारण इसका कैसे होता है, ए का कहाँ कहाँ पर होता है, एस, एयर वॉलस, एस मीन्स गधा, रेट, रेट मीन्स चूहा, मैन, मैन मीन्स आदमी, मैड, मैड मीन्स पागल, स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और बैन, बी ए एन, बैन मीन्स मनाही या रोकथाम। तो इस तरह से यहाँ पर आप ए का उच्चारण इतनी ध्वनियों में आप कर सकते हैं। तो आप चलते हैं अगले अक्षर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बी का उच्चारण किस तरह से करते हैं, आपने ए का उच्चारण अभी देखा, बी का उच्चारण बा की ध्वनि में करते हैं। कैसे, बा की ध्वनि में, जैसे बॉल, बैट, बस, बट, लेकिन आदि, गेंद, बल्ला, बस, लेकिन आदि। तो यहाँ पर बी का साधारण सा है कि बी का बा की ध्वनि में आप उच्चारण करते हैं। अच्छा, अब नंबर आता है सी का उच्चारण। सी का उच्चारण आप कैसे करेंगे, सी का उच्चारण, इसका उच्चारण सा का सा चा आदि की ध्वनियों में किया जाता है। जैसे सी का उच्चारण सा की ध्वनि में कैसे किया जाएगा, अगर सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी का उच्चारण सा होगा। ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण सा होगा अगर सी के बाद में। जैसे साइकिल, साइकिल मीन साइकिल, यहाँ पे वाई आई है इसलिए सी का उच्चारण किस में हुआ है, सा में हुआ है। सर्कस, सा में हुआ है। आई सी, सा में हुआ है। राइस यानी चावल, इसका उच्चारण सा में हुआ है। अब देखिए सी का उच्चारण का की ध्वनि में कैसे होता है, तो सी, अगर सी के बाद में ए ओ यू के आर, ए ओ यू के आर आदि कोई अक्षर हो तो सी का उच्चारण का की ध्वनि में होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम,
तो सी का उच्चारण का के दोनों कैसे होता है? अगर सी के बाद में ए ओ यू के आर आदि कोई अक्षर आए तो सी का उच्चारण का के ध्वनि में का के ध्वनि में होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कैट सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी यू टी कट, कट मीन्स काटना, सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ मीन्स गाय, एल ओ सी के लॉक, लॉक मीन्स ताला, और सी ए डबल टी एल ई कैटल, कैटल मीन्स पशु। अभी सी का उच्चारण देखिए, सी का उच्चारण सा के ध्वनि में, सा सी टी के ध्वनि में, कई बार सी का उच्चारण सी के बाद में अगर आई ए आए या ई ए आए तो सी का उच्चारण सा के ध्वनि में होता है, जैसे ओशन, सोशल आदि। ठीक है, ओशन समुद्र, सोशल सामाजिक। अब सी का उच्चारण चा के ध्वनि में कहाँ होता है? अगर सी के बाद में लिखा है इसमें, सी के बाद में अगर एच आए तो सी का उच्चारण मतलब चा के रूप में होता है, सी एच ए आई या चेयर, सी एच आई डी चाइड, चाइड मीन्स डांटना, चाइड मीन्स डांटना, चेयर मीन्स कुर्सी, चाइड मीन्स डांटना। अब डी का उच्चारण किस तरह से करेंगे? इसका उच्चारण दा और डा दोनों की ध्वनियों में होता है, डा और दा दोनों की ध्वनियों में होता है, दा डा। जैसे यहाँ पर दा से दिसपुर, दा की ध्वनि में, डू डू मान करना, तो डा की ध्वनि में, ड्रग डा की ध्वनि में, ड्रेन नाली ये डा की ध्वनि में, डिस्टेंस दूरी डा की ध्वनि में। तो इस तरह से आप डा की ध्वनि में इसको यूज कर सकते हैं, और दा के ध्वनि में जैसे हुआ दिसपुर, देहरादून, दुबई, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं किसकी, दा के ध्वनि में। देखिए ई का उच्चारण, ई का उच्चारण छोटे की ध्वनि में कैसे करते हैं? जैसे इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना, आरंभ करना, इलास्टिक, इलास्टिक माने लचकदार, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ई का उच्चारण बड़ी की ध्वनि में कैसे होता है? बड़ी ई जिस तरह से, यानी बी 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 माने होना, ही माने वह, और वी ईव, लीगल और रीगल, इस तरह से आप ये जो जहाँ जहाँ ई बनी है वहाँ पे आप बी ही वी ईव लीगल रीगल, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसका उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में होता है। अब देखिए यहाँ पे ई का उच्चारण ए की ध्वनि में कैसे होता है? जैसे देयर वहाँ, वेयर कहाँ, मैन मनुष्य, एस्टेट संपत्ति, लेग टांग, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से भी इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। तो ये होगा, अब जैसे लिखा है इसमें देयर, देयर वहाँ, वेयर कहाँ, मैन मनुष्य, स्टेट संपत्ति, लेग टांग, तो सब में बीच में ई का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ध्वनि ए की निकल रही है। इसमें देखिए एफ का उच्चारण कहाँ कहाँ हुआ, किस ध्वनि में? इसका उच्चारण एफ की ध्वनि, फा की ध्वनि में होता है एफ का, जैसे फैन, फिश, फिट, फ्री। अब जी, इसका उच्चारण जा गा की ध्वनियों में होता है, जैसे एग्जांपल जा के रूप में अगर जी के बाद में किसी शब्द के अंत में जी लगा हो तो इसका उच्चारण जा होता है, जैसे एज, केज, पेज, सेज। एज मीन्स आयु, केज पिंजड़ा, पेज पृष्ठ, सेज महात्मा साधु, इस तरह से एज, केज, पेज, सेज। यहाँ पे आप जा का उच्चारण हुआ है क्योंकि जी ही लगा है, इसके बाद में है अन्न में आता है, जैसे जिंजर, जैम, जर्म। इसके बाद में जी का गा के रूप में उच्चारण कहाँ होता है, कैसे? देखिए डॉग कुत्ता, गिव देना, गिफ्ट उपहार, और गेट ये दरवाजा। यहाँ पे आपने जी का देखा कि गा के रूप में उच्चारण हुआ है। अच्छा, एज का उच्चारण, इसका उच्चारण हा की ध्वनि में होता है, जैसे हैप्पी, हैन, हॉर्स, हट। जैसे आई का उच्चारण है तो आई का उच्चारण कैसे करेंगे? आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, देखिए कैसे होता है, इंक स्याही, सिक्स एल, सिन, इन, बिग, इस तरह से आपने कर दिया। आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, राइट, लाइट, रिसीव, मशीन, यूनिक, इस तरह से आप करेंगे। अभी आएगा जैसे आई के रूप में उच्चारण, आई का आई के रूप में उच्चारण ध्वनि में, ठीक है, जैसे राइट, फाइन, काइंड, बाइंड, माइल और माइल्ड, इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। आई का उच्चारण जो है अगला देखिए, आई आई का उच्चारण आई के रूप में, जैसे फायर, ठीक है, वायर, डिजायर, एडमायर और लायर, इसके रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई के उच्चारण हो गए। अच्छा, जे का उच्चारण देखिए, आई के बाद जे का नंबर रहता है, जे का उच्चारण जा के ध्वनि में होता है, जैसे ज्वाइन,
जेट, जग। अब के का उच्चारण का के रूप में काइट, किंग या कैटल, कुछ भी कह सकते हैं आप, कैटली जिसको कहते हैं। इसके बाद एल का नंबर आता है एल, लाइन, लाइन में रेखा, लाइन, लाइन मीन शेर, लीव आदि, ठीक है। एम का उच्चारण मा के, मैन, मंकी, मैट, मदर आदि। एन का उच्चारण ना के रूप में नॉट, नेवर, नाइन, नीट आदि, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं ओ का उच्चारण। अब देखिए ओ का उच्चारण ओ की ध्वनि में होता है, जैसे ओपियम, गोल्ड, फोकल, सो, होप, पोस्ट, ठीक है। इसी तरह से आप ओ का उच्चारण करते हैं अ के रूप में, जैसे ऑप्टिकल, ऑर्गन, गॉड, बॉक्स, ऑब्जेक्ट, ऑर्फन, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ओ का उच्चारण ऊ की तरह हो रहा, छोटा ऊ की तरह हो रहा, ओ का उच्चारण जैसे डू, रूट, रूम, नून, मून, बूट, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ओ का उच्चारण आ रहा है यहाँ पे आउ की तरह, जैसे नाउ, अब हाउ, कैसे, काउ, गाय, ठीक है। लाउड ऊंचे स्वर में जोर से, फाउल, गंदा, आउट, बाहर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे नंबर था हमने आपका ओ बता दिया, अब पी का नंबर था इसका पा के दोनों, जैसे पेन, पॉइंट, प्लीज, पल्स आदि। क्यू का क्वा के रूप में क्वा, क्वीन, क्वेश्चन, क्विट आदि। आर का रा के रूप में रूज, रेन, राम, राइज या इत्यादि, इस तरह से। एस का उच्चारण इसके मुख्य तीन उच्चारण, जैसे ओ ई एस, सूज, जूते, टॉयज, खिलौने, रुपीज, रुपए, इस तरह से। एस का सा के रूप में शिप, शिंक, काइट्स आदि। एस का एस एच यानी एस सा के रूप में, सीटी वाली सा के रूप में, जैसे एशिया, पेंशन, रसिया आदि, इस तरह से आप कर सकते हैं इसका यूज। अभी नंबर आता है टी का। टी का एक तो ता होता है, दूसरा टा होता है, एक टा होता है, एक ता होता है, दो उच्चारण होते हैं। जैसे टी का टा के रूप में ट्रेन, ट्री, टीचर या इस तरह से बहुत सारे शब्द। इसका ता का तरुण, तनिष्का या नाम में कोई ता जब यूज करता है तो आप टी लगाते हैं, इस तरह से। आप देखिए यू का उच्चारण कैसे करते हैं। यू का उच्चारण लिखा, यू का उच्चारण आ के ध्वन में, छोटा आ के ध्वन में, अप, ऊपर, कप, बस, फन, अगली, अंडर, ये सब मैंने इनकी हिंदी मीनिंग दी है। अप माने ऊपर, कप माने प्याला, बस माने बस, फन माने हंसी मजाक, आनंद, अगली माने भद्दा, अंडर माने नीचे, इस तरह से आप कर सकते हैं। यू का उच्चारण छोटा ऊ की तरह, जैसे पुट, प्यूटी, पुट, रखना, बुल, साण, पुल, खींचना, पुश, धक्का देना, दबाना, सुपर, बढ़िया, इस तरह से कर सकते हैं आप। यू का उच्चारण बड़े ऊ के रूप में, जैसे रूपी, रूरल, रूबी, रूज और रूल, इस तरह से आप कर सकते हैं इसका मतलब बड़े ऊ के रूप में। बड़े ऊ के रूप में यू का उच्चारण यहाँ पे हमने पूरा दिया है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ आ रहा होगा और आप इससे बहुत ही लाभ उठाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यू का उच्चारण अभी दिखाया। अब वी का उच्चारण वा, वा के रूप में, जैसे लिखा है वैन, विमल, वर्च्यू और विष्णु, वैभव या और बहुत सारे नाम, इनका उच्चारण आप वी के रूप में कर सकते हैं, वा के रूप में कर सकते हैं, और वी का उच्चारण वा के रूप में यहाँ पर होगा। अब डब्लू का उच्चारण, डब्लू का उच्चारण वा के रूप में होता है, जैसे विंडो, खिड़की, यहाँ पर डब्लू बनेगा। वाश, धोना, यहाँ पर डब्लू बनेगा। वाशरमैन, यहाँ पर डब्लू बनेगा। वाइड, चौड़ा, डब्ल्यू आई डी, यहाँ पे डब्ल्यू बनेगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है इनमें जो है डब्ल्यू का उच्चारण वा होता है, ठीक है। अब वी डब्ल्यू एक्स का उच्चारण, एक्स का उच्चारण देखिए एक्स के रूप में, टैक्स, फैक्स, मैक्सिमम, इस तरह से करते हैं। या जा के रूप में, या जा के रूप में जेरोक्स, गजा के रूप में एग्जाम्पल, एग्जैक्ट इत्यादि कर सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं, जैसे वाई का उच्चारण देखिए इसमें, वाई का उच्चारण या के रूप में, यस, यार्ड, यर आदि, यस, यार्ड, यर आदि, वाई का उच्चारण या के रूप में। अच्छा आई के रूप में कब होता है, स्काई, स्काई, बाई साई, एस के वाई, बी यू वाई और एस एच वाई, तो आई के रूप में एस के वाई, स्काई, बाई और साई, यहाँ जो आई ग्रुप में इसका उच्चारण हुआ, वाई का उच्चारण हुआ, स्काई, बाई साई। अच्छा ए ग्रुप में कैसे, जैसे डे, डी ए वाई, पे, पी ए वाई, प्रे, पी ए, पी आर ए वाई, इस तरह से।
ठीक है। और बड़ी की मात्रा के रूप, बड़ी के रूप में लिखा है आर्मी, मंकी, ग्रीडी और टाइडी, इन सब में लास्ट में वाई आया है और सब में जो है बड़ी का उच्चारण हुआ है, यानी कि आर्मी, मंकी, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने आपको दिए। अब जेड का उच्चारण, जेड का उच्चारण जा के रूप में, जेप, जू, जिगजैग, टेढ़ा-मेढ़ा और आदि, इस तरह से बहुत सारे उच्चारण हैं। तो आप इनको जो है ढंग से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप निश्चित ही इंग्लिश में आपको बेझिझक आप कोई भी उच्चारण कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं और उसको जो है सही उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।